rather realistic truth than the bold character, I would say. क्योंकि माधुरी का कैरेक्टर एक इमेजिनरी कैरेक्टर नहीं है, ये एक रियल कैरेक्टर है जो इस वक्त भी मुंबई में, शायद इस वक्त दिल्ली में मौजूद है. और मैं समझती हूँ कि मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी राजीव रोया जी का, जिन्होंने मुझ पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया. क्योंकि इस तरह के एक्सपेरिमेंटल रोल्स या इस तरह के कैरेक्टर्स जिसमें एक एक्टर की बहुत ज़्यादा डीप इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है, उसके लिए उन्होंने मुझे करियर के शुरू में ही मुझ पर इतना ट्रस्ट किया. आई थिंक दिस कैरेक्टर इज़ रादर रियलिस्टिक देन बोल्ड. ये एक लड़की की सच्ची कहानी है और आई हैव गिवन माई मोर देन 100% एंड थैंक्स टू माधुरी जो कि कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ, बट थैंक्स टू द गर्ल माधुरी जिनसे मेरी मुलाकात हुई और जिन्होंने, अगर शायद मैं माधुरी से नहीं मिलती तो ये कैरेक्टर मैं इतनी खूबसूरती से नहीं निभा पाती थी. जिंदगी 50-50 हर इंसान को देखनी चाहिए, क्योंकि जो भी ये फिल्म देखेगा उसको ऐसा लगेगा कि यार ये मेरी कहानी है. कहीं ना कहीं इसमें रिया सेन हैं, आर्या बब्बर हैं, और ख़ास तौर से मैं बिरजू का किरदार कहना चाहूँगा क्योंकि मैं खुद यूपी से बिलोंग करता हूँ. इसमें मेरा एक डायलॉग है जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, जिसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति भी होती है. यूपी में भैया का मतलब बड़ा भाई होता है. भैया बोलते हो और बेइज्जती भी करते हो. नो, आई लव ऑल दीज थ्री खान्स, बीट आमिर खान और शाहरुख खान और सलमान खान. And of course, it would be great if I get a chance to work with them. Magar I think Veena Malik, agar in teenon khans ke saath kaam bhi nahi bhi karegi, to Veena Malik will remain Veena Malik.